हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीसीसी इंग्लिश मसाला। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ मस्त और कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में व्यस्त जरूर होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी उसी व्यस्तता से निकाल लीजिए थोड़ा सा टाइम और फटाफट के अंदाज में आ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल वीसीसी इंग्लिश मसाला पे, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ डे 35 की। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, चल रहा है हमारा 90 डेज ग्रामर चैलेंज, जिसका आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डे 35। डे 35 में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ अबाउट टू के पार्ट सेकंड की। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था एसर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फटाफट के अंदाज में चैनल पे जाइए, वहां से पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिए। और पार्ट सेकंड में आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक्चुअल में होते क्या हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, यस नो टाइप क्वेश्चंस। नंबर सेकंड, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअल में यस नो टाइप क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यस नो टाइप क्वेश्चंस में जो हिंदी का वाक्य होता है वो हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, क्योंकि तभी आप आंसर हाँ या ना में देते हैं। जैसे कभी मैं या कोई आपसे पूछे क्या पापा आने वाले हैं, तब आप जरूर आंसर देते होंगे हाँ पापा आने वाले हैं या नहीं पापा नहीं आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यस नो टाइप क्वेश्चंस में जो हिंदी का वाक्य होगा वो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। चूंकि हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ अबाउट टू, इसलिए वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा वाला है, वाली है एंड वाले हैं। अगर अब हम बात करें डब्ल्यूएच टाइप की, तो इसमें हिंदी का प्रत्येक वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और वाक्य के बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब आदि आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और वाक्य के अंत में फिर से आपको देखने को मिलेगा वाला है, वाली है एंड वाले हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यस नो टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें यूज करना है इज या फिर एम या फिर आर का। हम अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करने वाले हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो ही शी इट, नेम एंड रिलेशन, इन सब के साथ हमें यूज करना है इज का। आई बोले तो मैं का मीन्स होता है आई, आई के साथ सिर्फ आपको यूज करना है एम का। एम का यूज सिर्फ आप आई के साथ ही कर सकते हैं। उसके बाद आर का यूज हमें करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू वी दे, इन सारे सब्जेक्ट के साथ, या कोई और बहुवचन करता आता है तो वहां पर आपको आर का यूज करना है। उसके बाद हम लगाएंगे यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम अबाउट टू लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, क्या मोहन दुबई जाने वाला है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इज मोहन अबाउट टू गो टू दुबई। यहां पर देखिए मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये एक यस नो टाइप सेंटेंस है और इसको हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको इस से स्टार्ट किया। हमारा सेकंड सेंटेंस है, क्या तुम पत्र नहीं लिखने वाले हो। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आर यू नॉट अबाउट टू राइट अ लेटर। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने इस वाक्य को आर से स्टार्ट किया। हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस है, क्या वे मैच जीतने वाले हैं। और फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, क्या राधा गाना नहीं गाने वाली है। यहाँ पे सेंटेंस नंबर थर्ड और फोर्थ मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि इन्हें आपको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में बात कर लेते हैं डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड का, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद लगाएंगे अबाउट टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, तुम उससे कब मिलने वाले हो। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द कब यूज किया गया है,
इसलिए हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, व्हेन आर यू अबाउट टू मीट हिम, यहां पे कब आया है, इसलिए हमने इस सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हेन से की है। हमारा सेकंड एग्जांपल है, मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनने वाला हूं, ये एक डब्ल्यू एच टाइप नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पर हमारा सब्जेक्ट यूज किया गया है मैं, क्वेश्चन वर्ड यहां पे आया है क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, इसलिए हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, व्हाई एम आई नॉट अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर। हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस है, तुम शादी कब करने वाले हो, और फोर्थ नंबर पे है, मीरा गाना कैसे नहीं गाने वाली है। तो यहां पर भी सेंटेंस नंबर थर्ड और फोर्थ आपको ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और जानने वालों को मेरे वीडियोस शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।